एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड देन वी विल डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब यहाँ दोनों की बात करेंगे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। देखो, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और वहाँ पर हमने क्या सीखा था, यदि कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन से चलती है तो वो उसी पाथ के अलोंग जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे चलती रहेगी। इसका मतलब ये कि इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। अब यदि हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं और उस बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करता है, उसी एक्सटर्नल फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। और आप याद कीजिए, हमने सेकंड यूनिट में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपका। यदि याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बाय महेश कुमार जोगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। राइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ, तो वी नो दैट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज एट एवरी पॉइंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो किसी भी पॉइंट पर यदि आपको वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी है, सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ए, तो क्या करते हैं, हम ए पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। अगर हमें यहाँ डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ डायरेक्शन निकालनी हो तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, और यहाँ डायरेक्शन निकालनी हो तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। सो वी कैन से दैट इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, विदाउट फोर्स इट कैन नॉट चेंज। राइट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और इसी फोर्स का नाम हम फिर से कह सकते हैं, यही फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। राइट, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, हम डिफाइन कैसे करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल। राइट, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट देन सेंट्रीपेटल फोर्स विल एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है देन इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा अगेन सेंट्रीपेटल फोर्स विल एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। So we can say that what is the direction of centripetal force? Centripetal force is along the radius and toward the center, right? Center की तरफ act करता है। So हम कह सकते हैं कि ये जो force क्या कर रहा है, किसी body को circular path में move करने के लिए मजबूर करता है। जैसे हम example लेते हैं, planets revolve around the sun। जब सारे मान लो यहाँ पर sun है और कोई planet sun के चारों तरफ revolve कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस प्लेनेट को कहीं ना कहीं से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलेगा तो ये प्लेनेट यहाँ से फ्री हो जाएगा, कहीं भी मूव कर सकता है। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई सपोज एन ऑब्जेक्ट इज सपोज ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई कार सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो अब इस कार को मूव करने सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए भी क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। यदि सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिला होगा तो नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा कई बार डेली लाइफ में कि कोई व्हीकल जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो स्किड हो जाता है, स्लिप हो जाता है, पलट जाता है। किस कारण से पलट जाता है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिला होगा। तो मान लो यहाँ पर कोई व्हीकल है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसको भी क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड व्हीकल प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स। यदि सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलेगा तो ये व्हीकल जरूर यहाँ से स्किड होता है। राइट, सो व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, आप याद कीजिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो अपने आप ही क्या आ गया उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब इफ देर इज चेंज इन वेलोसिटी देर इज एक्सीलरेशन। सो यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उस पर जो एक्सीलरेशन लगा उसका नाम क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंड वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, एंड वी नो दैट वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या बनेगा ये आर ओमेगा का स्क्वेयर अपॉन आर, और वी कैन राइट इट एज आर ओमेगा स्क्वेयर। सो यूजिंग दिस एक्सीलरेशन वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नो दैट फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह हम पुट कर सकते हैं वी स्क्वेयर अपॉन आर, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम और ए की जगह ये पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। नाउ वी विल डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इफ देर इज वन फोर्स देन देर मस्ट बी अनदर फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू फर्स्ट फोर्स। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एफ इफ वी हैव टू बॉडीज देन एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, मतलब फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। या हम यूँ कहते हैं कि फोर्स अकेला फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वापस हमारे पर उतना इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, राइट? अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए और वो किधर लगता है टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, इसका मतलब अब कोई ना कोई फोर्स ऐसा और होगा जो सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट देर इज अनदर फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? सो वी कैन से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? वी नो दैट व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, राइट? देन दिस बॉडी इज फोर्स्ड टू मूव इन सर्कुलर पाथ, इस बॉडी को हमने मजबूर कर रखा है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, लेकिन क्या होगा हर पॉइंट पे इस बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी सीधा मूव करने की, इसका मतलब क्या होगा इस बॉडी पे लगातार एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगा हुआ है, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, तो इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है कौन सी, सीधा मूव करने की, इस कारण से क्या होगा इस पर एक फोर्स लगातार बाहर की तरफ लगा हुआ है सेंटर के से अवे और रेडियस के अलोंग। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, या यूं कह दें कि इनर्सिया ऑफ द बॉडी, राइट? वी नो दैट इनर्सिया ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इनर्सिया ऑफ मोशन, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, यदि कोई बॉडी सीधी चल रही है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, वो सीधा चलने की कोशिश करती है। देखो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज यू हैव
एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कभी बचपन में खेला होगा, एक छोटा सा पत्थर लेते हैं या और कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई बॉल वगैरह लेते हैं। आपने कोई बॉल ली, इस बॉल को एक रस्सी से बांधा और एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं इसको, गोल गोल हाथ में लेकर इसको यूँ घुमाते, घुमाया होगा राइट। तो इस बॉल पे हम हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये कौन सा है? सेंट्रिपिटल फोर्स है। और इस सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण से ये बॉल क्या हो रही है, इट इज़ ये बॉल मजबूर है इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इस रस्सी को छोड़ दोगे, दिस बॉल विल मूव इन स्ट्रेट पाथ, यहाँ से सीधी हो जाएगी राइट। तो इसका मतलब क्या है, इस पे लगातार कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी कैसी बनी हुई है स्ट्रेट पाथ में मूव करने की राइट। देन दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। और एग्जांपल लेते हैं हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के। कभी आपने देखा होगा आपकी जो साइकिल, कभी आपने पानी में साइकिल चलाई या कीचड़ में साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है, जो मड है दैट मड मूव्स टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन, मड मूव्स टेंजेंशियली, देन मूवमेंट ऑफ दिस मड, दिस मड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा जब हम दही बलोते हैं तो घी निकल के आता है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन मैग्नीट्यूड में कितना होगा, will be equal to centripetal force. So again we can say that magnitude of centrifugal force will be mv square upon r. So हम centripetal force की बात करें या centrifugal force की बात करें, दोनों magnitude भी same है, direction में दोनों कैसे होंगे, opposite होंगे। तो ये था हमारे पास में concept centripetal and centrifugal force। Next video में इनके examples की बात करेंगे। Thanks and keep on watching.